दो साल से आपको देखने के लिए आंखें तरस रही। दुबे, तुम यहाँ अकेले कैसे? माला कहाँ? कुछ दिन वहाँ अचानक गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा, कुछ पता नहीं लगा। पता के बच्चे, मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी कि सोते जागते माला पर नजर रखना। मुझे मालूम था कि माला उड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि रुपया सारे का सारा उसके पास। मनोहर कहाँ है? वो भी गायब है। मुझे मालूम है माला कहाँ है। वो जरूर डॉक्टर सरीन के चक्कर में कश्मीर गई होगी। नाइस साड़ी। अब भाई नाश्ता वाश्ता है तो मेरे पास टाइम नहीं। अच्छा, ये दोनों कहाँ हैं? ऊपर। राजेश भैया आ जाओ। आया भैया। बाथरूम में फिसल गया था। घर में डॉक्टर मौजूद है, इसका ये मतलब तो नहीं है कि देख के चलना छोड़ दो। अरे भाभी, मैं नाश्ता नहीं करूंगा, बहुत जल्दी मुझे जाना है। अरे एक गिलास दूध तो पी ले। जाना, मुझे एयरपोर्ट जाना है, दोस्त आ रहा है। कौन? आप ही जानते उसे, हम एक साथ कॉल भी थे। बड़ा दिलचस्प आदमी है भाभी, वो हमारे साथ रहेगा कुछ दिन, यू डोंट माइंड ना। अच्छा भैया चलो। वाह, क्या हुस्न है, फोटो में से छलक रहा है। माफ कीजिए लामा साहब, ये आपकी बहन है? बहन आप बना लीजिए, मैं क्यों बताऊं कि ये मेरी कौन लगती है? आप कोई जेल बॉन्ड है? मुझे तो आप ब्रग बॉन्ड भी नहीं लगते। खफा क्यों होते हैं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया लामा साहब। ना लामा हूं ना गमा। फिर आप कौन? मैं हूं अपने भांजे का मामा। बाय बाय। ओह राजेश, अजीब कार्टून है। चलो बच्चा, तेरी मुराद बाबा पूरी करेंगे। तेरा मेरा है बचपन का रिश्ता, मैं हूँ अमन का फरिश्ता। तूने मुझे पहचाना नहीं बच्चा, मैं तुझे खा जाऊंगा कच्चा। मैं हूँ कॉल का सच्चा, और अगर तू अभी ना समझा तो मैं तुझे मारूंगा ब्रेनगन स्टनगन और टॉमी गन। अरे तू सी बात यार, ताकि कोई मुझे पहचान ना सके। फोन करके आ रहा क्या? फोन तो मेरा अरमानों का होने वाला है। तू घर चल, मैं तुझे सब बताता हूँ। राजेश मेरी माँ ने बरसों पहले से यहाँ कश्मीर के डीआईजी की लड़की कोमल से मेरा रिश्ता पक्का कर रखा है, और अब उन्होंने मुझे शादी की तारीख पक्की करने भेजा है। लेकिन मैं इस लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं दूसरी लड़की के इश्क में हूँ और उसके साथ अपना टांका जोड़ना चाहता हूँ। तो ये जलवे है बेटा? यस, इस दूसरी लड़की के साथ मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। पूछो कैसे? बकता जा बकता जा। भाई मैं एक पार्टी में उससे मिलवाया गया था, और उसे देखकर ऐसा लट्टू हुआ कि कुछ जरूरत से ज्यादा खाना खा गया, और मेरे पेट में ऐसी गुड़गुड़ शुरू हुई कि फिर वो मेरी मदद को आई। क्या वो डॉक्टर है? यस, उधर उसने थर्मामीटर मेरे मुंह में दिया और इधर मैंने अपना दिल उसको दे दिया। मेरे पेट में हलचल सी होने लगी और मेरे कानों में शादी की शहनाइयां बजने लगी। फिर कहने लगी कि तुम्हारा जिगर बड़ा कमजोर लगता है। मैंने कहा होगा, मगर दिल तो चंचल है और इस बात पर मचला है कि आप इसमें समा जाएं। और वो बस गई जूतियों समेत। उनके पिताजी यहाँ कश्मीर के एक अस्पताल में डॉक्टर हैं,
और मैडम भी आजकल अपने पिता के साथ काम कर रही हैं। तो इसमें मुश्किल की कौन सी बात है? सीता, अपनी मम्मी से कह दो कि मैं कोमल के साथ शादी नहीं करना चाहता। अबे घनचक्कर, अगर मैं शादी से इनकार कर दूंगा तो माँ मुझे जायदाद से अलग कर देगी, मैं भूखा मर जाऊंगा। लेकिन अगर कोमल खुद इस रिश्ते को ठुकरा दे तो मैं माँ को मना लूंगा कि वो दूसरी लड़की को बहू बना ले। यहाँ तक तो मैं समझ गया हूँ, लेकिन इसमें मेरी मदद की जरूरत कहाँ पड़ती है? ओ यार, तू कुछ ऐसा चक्कर चला कि कोमल तुझ पे मर मिटे, बस उसके बाद मेरा उसका साथ छूट जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगा। गोया, तू चाहता कि मैं एक मासूम लड़की के साथ दिल जीतने का नाटक खेलूं और उस बेचारे को बदनाम कर दूं? घर छा गया है तू, गेट आउट फ्रॉम हियर, चलो गेट आउट। ओ यार, तू मुझे गलत समझ रहा है। मैं कब कह रहा हूँ कि तू उसको धोखा दे? मैं चाहता हूँ कि तेरा उससे सचमुच प्यार हो जाए, तू उससे शादी कर ले, तुझसे शादी कर ले। और उसके बाद जानते हो, तेरी कसम लाखों में एक है वो लड़की। फोटो दिखाओ। बेटा, अगर वो लड़की लाखों में एक है तो तू उसके साथ शादी क्यों नहीं करता? इसलिए कि वो दूसरी लड़की जिसके साथ मैं इश्क करता हूँ वो लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। बस यूं समझो कि कालिदास की शकुंतला है, सर विलियम शेक्सपियर की जूलियट है मेरी महबूबा। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे बाप तू मान जा, नहीं तो मैं खान बहादुर मजनू की तरह दीवाना हो जाऊंगा। बस ड्रामा बंद कर, फोटो दिखा मुझे। लड़की तो वाकई अपने नाम की तरह कोमल है। She's good, she's good. आहा, अब तुम आए ना अपने रास्ते पर, देखिए कहीं ऐसी हसीन लड़की। अरे she is terrific, और क्या डांसर है, and you know, she is 37, 37, and 37. लेकिन यार, इस बात की क्या गारंटी कि ये लड़की मुझे चाहने लगेगी? अरे भाई, अगर तू इसे सच्चे दिल से चाहेगा, ये तुझे क्यों नहीं चाहेगी? फिर तू आफ्टर ऑल मेरी तरह हैंडसम है, कुंवारा है और मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। आई एम आफ्टर ऑल पंजाब मैटर, यू नो। चल यार, तेरी खातिर ये भी कर डालेंगे। ओह थैंक यू। चल चल, अभी और कितना चलना पड़ेगा है? बस पहुंच गए समझो। आज कोमल अपनी सब सहेलियों के साथ पिकनिक पर आई हुई है। मुझे तो डर लगने लगा है कि तू मुझे किसी चक्कर में नहीं डाल रहा। अरे यार, तू एक बार कोमल को मिल ले, अपने आप ही उल्टा हो जाएगा। अरे ठहरू, वो रही। शोभा, क्या गाती हो, गजब हो गया, हम तो फ्लैट हो गए। शोभा, फटी फटी आंखों से क्या देख रही हो, पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ राजेश, तुम्हारी दिल्ली वाली सहेली है ना कमला, उसी का बड़ा भाई। राजेश, कमला, क्या बकवास है? कमाल है, महीना भर जब हमारे यहाँ ठहरी तब तो इतनी घुल मिल गई थी जैसे कि हमारी फैमिली मेंबर हो, और अब अनजानों की तरह मिल रही हो। महीना भर आपके यहाँ? कौन मैं? बहुत अच्छे, पर बस पानी नहीं पड़ने दे रही हो। अब ये भी भूल गई कि तुम और कमला दोनों ने मिलकर मेरे बटुए में से 20 रुपए चुराए और उन्हीं रुपए से मुझे पिक्चर दिखाई, मैड 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 वर्ल्ड। आपके रुपए मैंने चुराए थे? लेकिन मैंने बुरा नहीं माना, लेकिन मैं स्पोर्टिंग स्पिरिट। और सुनाओ कैसी हो? दिल्ली से निकलते वक्त कमला ने कहा कश्मीर जा रहे हो, सुबह से मिल लेना। तो ठहरना भी उसी के यहाँ, ये नहीं कहा उसने? उसने तो यही कहा, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हें बेआरामी ना हो। वैसे तुमने मुझे इनविटेशन कहाँ भेजा था? और छोड़ो इन बातों को, और सुनाओ क्या हाल चाल है? तुम्हारे मामा जी जो पार्लियामेंट्री मेंबर थे पार्लियामेंट, उन्हें गवर्नमेंट ने छोड़ दिया या नहीं छोड़ दिया? और वो भाई तुम्हारा जितेंद्र अमेरिका गया था, क्या हाल उसका है? ना मैं शोभा हूँ, ना मेरे भाई का नाम जितेंद्र है, और ना ही मेरे अंकल एमपी थे। आपकी बहन कमला है या बिमला ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं इतना जानती हूँ कि आप रोड साइड रोमियो जरूर हैं, और अगर आप फौरन चलते फिरते नजर नहीं आए तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूंगी। मजाक कर रही हो? भला मुझे धोखा कैसे हो सकता है? वही मोहिनी सूरत, वही बड़ी बड़ी मतवाली आंखें, वही सावन की घटा जैसे बाल, वही निकलता हुआ कद, तुम ही शोभा हो, क्योंकि दुनिया में तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की पैदा ही नहीं हो सकती। मेरी माँ कहा करती थी, शोभा तो लाखों में एक है बेटे, एक दिन उसे तेरी बहू बनाकर घर लाऊंगी। बेचारी यही हसरत दिल में लेकर तुम यहां से चल दी, परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। इनकी शक्ल बता रही है कि इन्हें सच में धोखा हुआ है। अरे मीना, तू नहीं जानती, ये सब ड्रामा है। हाँ इतना जरूर है, ये रोमियो दूसरे रोड साइड रोमियो से अच्छी एक्टिंग कर लेता है, ये रोता भी है। चलो उतरो मेरी जीप से। एक मिनट, आप ये फोटो देखिए और फिर मुझे बताइए कि अगर आप मेरी जगह होती तो आप मान सकती थी कि ये भूल है? बाय गॉड कोमल, ये तो बिल्कुल तेरी ही तस्वीर है, हूबहू शक्ल मिलती है तेरी। मैं तो क्या कोमल, तू भी नहीं जुटला सकती कि ये तेरा ही फोटो है। कितनी शक्ल मिलती है तेरी इस लड़की से? ठीक कहते हो, ये तो मेरा ही फोटो लगता है, कौन मानेगा? दो अलग अलग लड़कियों की सूरत एक सी हो सकती है? यही तो मैं कह रहा हूँ। खैर, मैंने आपको पहचाने में गलती की, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। आप सबको डिस्टर्ब किया, मैं अपनी हरकत पे काफी शर्मिंदा हूँ। नहीं नहीं, आप क्यों शर्मिंदा होते हैं? आपकी जगह कोई भी होता तो ये धोखा खा सकता था। सच पूछे तो क्षमा मुझे आपसे मांगनी चाहिए, मैंने आपको बेकार में डांट दिया। जी आपने बिल्कुल ठीक किया, कोई आदमी अगर जबरदस्ती किसी शरीफ लड़की के गले पड़ने लगे तो उसे डांटना ही चाहिए। ये और बात है कि मैं बहुत ही शरीफ आदमी हूँ और किसी लड़की को छेड़ने की सोच भी नहीं सकता। आपका समय खराब किया मैंने, माफी चाहता हूँ फिर से, इजाजत दीजिए। नमस्ते जी।
ठहरिए। फरमाइए। अगर आप यूं ही चले गए तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। आप अपने आप पर इल्जाम मत दीजिए, भूल जाइए उस बात को। वैसे अगर आप इतना बता दें तो मेरे दिल को बहुत खुशी होगी कि यहाँ कश्मीर में कौन सी अच्छी जगह देखने के लिए। बताकर नहीं, दिखाकर ही मेरे दिल को तसल्ली। आइए, कम ऑन गर्ल। कम से कम ये साहब दिल्ली जाकर ये तो कहेंगे कि यहाँ के लोग कितने मेहमान नवाज हैं। हुजूर, मैं दिल्ली जाकर ये कहूँगा कि यहाँ के लोग कितने खूबसूरत हैं। इसे डल लेक कहते हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग यहाँ क्यों रुके हैं? मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ इस दुकान से पान जरूर खरीदती हूँ। आप खाएंगे? कमाल करती है, पानी को खाने की चीज है, दांत खराब हो जाते हैं। मैं अभी लेकर आती हूँ। आठ नीचे पान जरा जल्दी। आठ? क्या राजेश बाबू पान नहीं खाओ? राजेश बाबू? कौन राजेश बाबू? अरे वही जो तुम्हारी कार में बैठे। ये कैसे हो सकता है, वो तो आज ही दिल्ली से आए हैं, तुम्हें धोखा हुआ है। बिटिया हमारा किया धोखा ना खाई। ये राजेश बाबू को हम तो बचपन से पहचाना था। ये है डॉक्टर सरीन के छोटे भाई, रोजाना हमारी दुकान पर पनवा खाते, बनारसी सादा और जानो हरी इलायची डलवाते। यकीन नहीं हो तो उन्हीं से पूछ ले। नहीं नहीं, जरा जल्दी करो। देखो कितने पैसे? डेढ़ रुपया। ये लो दो रुपए। डेढ़ रुपए पान के और आठ ने राजेश बाबू को पहचानने के। राम राम बिटिया। मुझे पान बिल्कुल नहीं पसंद, दांत खराब हो जाते हैं। ये लीजिए आपका बनारसी सादा पान। मैंने तो आपसे कहा था कि मैं पान खाता ही नहीं। ये पान आपको बहुत अच्छा लगेगा, पुरानी सुपारी, हरी इलायची। आप मजबूर करती हैं तो खा लेता हूँ। तो आप कश्मीर पहली मरतबा आए? जी हाँ बिल्कुल, जिंदगी में पहली बार, लेकिन अब तो बार बार आना पड़ेगा। अच्छा, अब मैं आपको यहाँ की सबसे खूबसूरत जगह दिखाती हूँ। एक खूबसूरत चीज तो देख चुका हूँ, बल्कि देख ही रहा हूँ। अब मैं जो जगह आपको दिखाऊंगी उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। साहब अपने होश तो आपको देखकर फुर फुर फुर। तो फिर ठीक है, वहाँ पहुँच कर आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। चलिएगा। चल। कोई खास जगह है ये? इसे पुलिस स्टेशन कहते हैं। ओह, लेकिन मैंने इस खास जगह देखने की कोई फरमाइश नहीं की। जो लोग झूठे, मक्कार और धोखेबाज होते हैं उन्हें ये जगह दिखानी बहुत जरूरी है। मैं बैठे बैठे आपका मतलब नहीं समझ रहा। मुझे उस दुकानदार ने बताया कि तुम्हारा नाम राजेश सरीन है और तुम सर्जन सरीन के छोटे भाई हूँ, और मैं यहीं पढ़ता लिखता हूँ, और मैं कश्मीर का ही बाशिंदा हूँ। सब कुछ मालूम हो गया आपको। जय हिंद। तुमने सब जगह राउंड लगा के देख लिया? हॉस्पिटल के सफाई में कुछ कमी नहीं है? सब फर्स्ट क्लास है सर। ठीक है, सेठ गोवर्धन दास जी अभी आने वाले हैं, वो अपने हॉस्पिटल को बहुत बड़ी रकम डोनेट करने वाले हैं। डोनेशन की रकम मिल जाएगी, उसके बाद मैं क्वार्टर्स के लिए नर्सेस बनवाऊंगा। नहीं नहीं, नर्सेस के लिए क्वार्टर्स बनवाऊंगा। गोवर्धन दास जी आ गए। कोई बात नहीं, बड़ा मामूली नुकसान हुआ है, सारा पैसा मेरे नाम से इंश्योरेंस कंपनी से मांग लेना। यू इडियट, हमारा गाड़ी का लाइट तोड़ दिया आप फिर। अबे ओ फुटे फुसड़, जरा तमीज से गाड़ी दे, बेशरम कहीं का। ये लो टॉर्च, आज रात को अपना गुजारा इसी से कर लेना। मेरी रोज रोज का सत्रा कर दिया, बेशरम। शरम चलो, होल्ड इट। क्या होल्ड इट? अंदर समय होल्ड। यू ब्लाइंड इडियट। क्या था? यू ब्लाइंड इडियट। बड़े आदमी को गाली देने की तुम्हारी जरूरत कहां से हुई? तुम जैसे बदतमीजों को मैं देश से निकाल दूंगा। चलो पकड़ो, नहीं चाहिए मुझे। आइए सेठ जी आइए, मैं आपको अपने हॉस्पिटल की इम्प्रूवमेंट दिखाना चाहता हूँ। जरूर जरूर। बाप रे, अरे
करना बहुत ही गलत। माफ कीजिए सेठ जी, यहाँ के सब इंस्ट्रूमेंट इंडिया में बने हुए हैं, फॉरेन का कोई माल हम यूज नहीं करते, और आपके हाथ में जो कैंची है ये खास स्पेशल अलीगढ़ की बनी हुई है। अरे नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं, अरे भगवान के लिए बेचारी निकालो। अरे बेटा अरे ये खुलता ही नहीं। अरे बेचारी, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। क्या मदद करेंगे, तारे निकालो। अपनाइए मत, अपनाइए मत। छोटे लाल जी, आपने कहा था ये कैंची अलीगढ़ की है? हाँ, जरा चलिए एक पैसा जरा। हाँ निकालिए, खेत के निकालिए। भाई तो बाकी अलीगढ़ की है। मैं मर गया। वाह, मैं मर गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक है, ये क्या? अरे मेरी नारी 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 बड़ी बेटी है। अरे मेरे मेरी नारी आने को कर दूँगा। अरे मार दे, अरे मैं मर गया। देखो क्या हो गया मेरे साथ। माफ कीजिए सर जी, कौन था वो पागल? वो मरीज किसी पागल का रिश्तेदार था। मेरा मतलब है वो पागल किसी मरीज का रिश्तेदार। मुझे तो यह सब पागल नजर आते, मगर मेरी दारी का क्या होगा? कोई बात नहीं सर जी, ये तो घर की खेती है, फिर उठेगी। मगर मेरी बीवी मुझे कैसे बैठा लेंगे? अरे मेरी प्यारी दारी सर जी, ये बची हुई दारी मैं पार्सल करके घर भेज दूंगा। आप मुझे मत, चलिए मेरे साथ। अरे मेरी दारी, आइए सर जी, आइए आइए आइए। ये देखिए अपना जनरल वार्ड। वेरी गुड वेरी गुड। देखो हम मरीजों की कैसी देखभाल करते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन छोटे लाल मेरी दाढ़ी, ये देखिए गाड़ी चेयर, ये हिंदुस्तान में बनी हुई है, यानी इंडिया मेड। जो आदमी टांगों से खा भी नहीं सकता। क्या कहा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है चल फिर नहीं सकता, वो इस गाड़ी के सहारे अच्छी तरह से घूम फिर सकता है। आप बैठ के देखिए। वेरी गुड। लेकिन मेरी दाढ़ी। आप गाड़ी बैठिए। देखो आप गाड़ी चलाकर देखिए। शर्म नहीं आती तुझे लेडीज बाथरूम में घुसा? माफ करना सीजी, वो पागल 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 तो मैं हम जिस पागल खाने में चला गया। मैं तेरी जान नहीं ठहरूंगा, और ना ही नया मैदा गिरा दूंगा हॉस्पिटल को। मैं भी जाकर पुलिस में कंप्लेन लिखवाता हूँ, तुम सबका जेल खाने भिजवाता हूँ। यू आर राइट। अच्छा वो तुम मिल गई, मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता पागल हो गया। ये अस्पताल है, ये भूल भरेंगे। बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए, मैंने आज ही तुम्हारे जिक्र डैडी से किया है। चलो मिला देती हूँ। डैडी। बेटी मैं कहीं का न रहा, एक पागल कुत्ते ने मेरे सारे उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सेठ जी ने कहा कि हॉस्पिटल के लिए मैं एक पाई नहीं दूंगा। अब ये हॉस्पिटल कैसे चलेगा? वो पागल अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसका पोस्टमार्टम कर दूंगा। डैडी अब छोड़िए भी गुस्सा, तमी आपसे मिलने आया है, मैं उसे बुलाती हूँ। बुला। डैडी तमी आया है। तुम तेरे वो पागल कुत्ता है ना? स्टेशन दिखा दिया, दोबारा कोशिश की तो यकीन जानी जेलखाने की हवा भी खिला देगी। बात आ गया हूँ मैं साहब, बिल्कुल बात आ गया हूँ। लालच है तुझ पे डरपोक, पुछ दिल कहीं के तुझसे एक लड़की नहीं फंसती। अगर तेरे जैसे नौजवान ऐसे हो तो इस देश का क्या होगा जिस देश में गंगा बहती है? और फिर मेरे संगम का क्या होगा बोलो? यानी मुझे जेल भिजवा कर ही तू खुश होगा? अरे जेल जाए तेरे शत्रु। ये बता कोमल तुझे देखने में कैसी लगी? ना पूछ मेरे यार, बहुत खूबसूरत, देखते ही मरमिटा। मरमिटा है तो फिर हिम्मत क्यों हारता है? चढ़ जा सूली पे। ये बात तो मिला हाथ। हम माला जी से क्यों नहीं मिल सकते? हम उनकी फैंस हैं, क्या वो अपनी फैंस से नहीं मिलेंगी? इतना दिमाग खराब है उनका जी। उनके इंस्ट्रक्शन है वो किसी से मिल नहीं सकती। एक्सक्यूज मी,
क्या आप बता सकते हैं कि कोई माला नाम की खातून आपके यहाँ ठहरी हुई है? जी ठहरी हुई तो यही है, लेकिन कोई उनसे मिल नहीं सकते। क्यों? आप माला जी से मिलने आए हैं तो प्लीज हमें भी मिलवा दीजिए, हमें उनसे ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ? आखिर ये फिल्म की हीरोइन इतनी घमंडी क्यों होती है? फिल्म की हीरोइन? वैजयंती माला फिल्म की हीरोइन तो और क्या है? आप मिस वैजयंती माला की बात कर रही हैं, माफ कीजिएगा, मैं मिस माला दास से मिलना चाहता हूँ। जी हमारे यहाँ कोई मिस माला दास नहीं है। आप हमें मिस वैजयंती माला से मिलने देंगे या नहीं? आप जानते हैं ये कौन है? ये मिस माथुर है, डीआईजी पुलिस की बेटी। ओ, आप मिस माथुर है? माफ कीजिएगा, मुझे कैसे पता चलता? आप जरा ठहरिए, अभी मैं मिस वैजयंती माला को टेलीफोन करके आपसे मिलवाई देता हूँ। रहने दीजिए, मैं अपने डैडी के नाम या उनकी पोजीशन का फायदा उठाकर मैं किसी से मिलना नहीं चाहती। तो फिर आप ऐसा कीजिए, कल सुबह 9 बजे आ जाइए, मिस माला उस पर शूटिंग पर जाएंगी, उस वक्त मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। कल सुबह तो मुश्किल है, हमें शंकराचार्य मंदिर जाना है। Some other time. Let's go, girls. वाह, क्या टुकड़ा है। 2 दिन पहले इसकी तस्वीर देखी थी, आज अचानक मुलाकात होगी। विनोद बाबू, आप भूल रहे हैं, ये डीआईजी पुलिस की बेटी है। पहले तो आप 2 साल के लिए अंदर गए थे, कहीं ऐसा नहीं इसका बाप आपको 20 साल के लिए अंदर भेज दे। अरे इसके लिए तो मैं उम्र कैद के लिए तैयार हूँ, लेकिन बैंड बाजे के साथ जाऊंगा, घोड़ी चढ़कर जाऊंगा, सेहरा बांध कर जाऊंगा। जैसे मैंने समझाया है वैसे ही करना। अरे कर तो लूंगा, लेकिन डर लगता है पुलिस अफसर। अरे मेरे साथ हो तो वो डर लगता है। देख तू आ रही है, ये तो लेते जा, खोल के जेब में डाल ले। जल्दी पैर उठाकर चलो, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझसे अब चला नहीं जाता, मेरा तो दम फूलने लगा है। अभी ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? शादी के बाद पहाड़ों पे थोड़ी चलना पड़ेगा। मेरी जान, आप गोद में उठा लो। बदमाश, खबरदार कितना आवाज किया तो खबरदार। बदमाश कमीने। ए ताकता का चाकू तो ले जा। क्या जमाना आ गया। आप बड़े वक्त पर पहुंचे, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं? अरे क्यों शर्मिंदा करती हैं, ये तो मेरा फर्ज है, मुझे विनोद कहते हैं। मेरा नाम कोमल माथुर है, मगर मैंने आपको कहीं देखा है। जी हाँ, कल होटल में आप वैजयंती माला को मिलने आई थी और मैं माला दास को। करेक्ट। कल आपने शंकराचार्य के मंदिर का जिक्र किया था जी। तो मैंने सोचा कि मैं भी दर्शन करता चलूं। आप ये नए मालूम होते हैं? जी हाँ, अभी अभी यूरोप से वापस आया हूँ, वैसे मेरा यहाँ टिम्बर का बिजनेस है। चलिए आप लोगों को घर तक छोड़ा हूँ। मेरे डैडी आपको मिलकर बड़े खुश होंगे। क्या करते हैं आपके डैडी? डीआईजी पुलिस है। कमाल है, डीआईजी की बेटी पर गुंडे ने हमला कर दिया, ये तो आपके डैडी से पूछना पड़ेगा। चलिए आइए। दीनदयाल शर्मा के खिलाफ हमने चार्जशीट तैयार कर दिया है, आप इसे एक नजर देख लें ताकि हम इसे कोर्ट में दाखिल कर दें। ठीक है, तुम ये फाइल यहाँ छोड़ जाओ, मैं देख लूंगा। और हाँ, गौरंग का रिमांड हो गया है। यस सर। डैडी इनसे मिलिए, ये है मिस्टर विनोद। हाउ डू यू डू सर? फाइन थैंक यू, मुझे माथुर कहते हैं। डैडी इन्होंने अभी एक गुंडे से मेरी जान बचाई। कहाँ, कैसे? हम शंकराचार्य मंदिर जा रहे थे, वो चाकू लेकर मेरे पीछे पड़ गया, इन्होंने उसे खूब मारा। जी अगर उसे मालूम होता कि ये आपकी साहबजादी है तो वैसे जरूरत ही नहीं करता। सुन रहे हो तुम, ये है तुम्हारा इल्जाम, फौरन वहां एक सिपाही की ड्यूटी लगाओ और उस इलाके के जितने गुड्डे हैं सबको राउंड अप कराओ। यस मिस्टर विनोद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बच्ची को बचाया, तशरीफ रखिए। थैंक यू। कहिए क्या पीजिएगा? जी कुछ नहीं शुक्रिया। ये कैसे हो सकता है आशिम, आप पहली बार मेरे घर तशरीफ लाए। एक मेहरबानी कीजिए, फरमाइए। मुझे आप कहकर नहीं बुलाइए, तुम कहिए, आप मेरे बुजुर्ग हैं। खुश रहो खुश रहो भाई, इसे अपना ही घर समझो, जब भी चाहे तब चले आया करो। क्या काम करते हो? टिम्बर का बिजनेस है। मैं सिगरेट पी सकता हूँ? बड़े शौक से। हाउ ब्यूटीफुल, मैं देख सकती हूँ? जरूर। बहुत सुंदर, कहाँ से लाए आप? जी यूरोप से। आपको पसंद है आप रख लीजिए, स्मॉल प्रेजेंट। जी नहीं, मैं तो यू ही तारीफ कर रही थी। अच्छा तो इजाजत दीजिए, फिर कब आएंगे? अब तो आता ही रहूंगा, घर देख लिया। तुम्हारा ही घर है भाई, जभी तो देखिए ना, गैर बनकर आया था और अपना बनकर जा रहा हूँ। नमस्ते। दादी विनोद जी काफी दिलचस्प आदमी मालूम होते हैं। बेटी सिर्फ दिलचस्पी ही नहीं बल्कि शरीफ भी मालूम होता है। इसके बाल काट ले, उसके बाद तेरी गुड़िया के बाल काटेगा और फिर तेरे बाल काटेगा।
है? किसकी नहीं, अब तू सो जा जाके, देर हो रही है। अच्छा गुड नाइट पापा। गुड नाइट। मेरा नाम डॉक्टर सरीन है, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया गया? देखकर हैरत हुई या खुशी? सच पूछो तो माला हैरत भी हुई और खुशी कहते हुए डर लगता है ना। हैरत तो मुझे हो रही है कि मैं तुम्हें क्यों ना बुला सकी। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया कहां कहां घूमकर आई, लेकिन तुम्हें ना भुला सकी। पहली मोहब्बत भी कितनी खतरनाक होती है। तुम सुनाओ कैसे हो? ठीक हूँ। तुम्हारी बीवी? वो भी ठीक है, अब एक बच्ची भी है। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि मैं यहाँ क्यों आई। मैं तो बहुत दूर चली गई थी, लेकिन करती क्या, तुमसे अलग न रह सकी क्योंकि मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ। माला मेरा घर बस चुका है और मैं कहता हूँ तुम भी कोई अच्छा आदमी देखकर अपना घर बसा लो। घर तो कब से बसाना चाहती हूँ, लेकिन तुम जैसा आदमी कहां से ले आऊं। हजार चीजें ऐसी हैं जो तुम्हारी याद बार बार ताजा कर देती। मसलन जब कभी बारिश पड़ती है तो मुझे उस रात की याद आती जब हम दोनों बारिश में बुरी तरह भीग गए थे और सारी रात खंडर में गुजार दी थी। माला पुरानी बातें याद करके क्यों अपने आप को दुख दे रही हो? ये दुख तो हमेशा के लिए रहेगा। तुम डॉक्टर हो, कोई ऐसी तरकीब बताओ कि मैं इस दुख से हमेशा के लिए छुटकारा पाऊं। माला भूल जाओ ये सब बातें। तो फिर मुझे जहर दे दो ताकि तुम्हारा ख्याल हमेशा के लिए दिल और दिमाग से निकल जाए। माला नरेश, क्या मेरे आंसुओं का तुम पर कोई असर नहीं होता? माला अगर वाकई तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मैं चाहता हूं तुम ये शहर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। हम दोनों के बेहतरी इसी में है। नहीं नहीं डार्लिंग, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे डैडी डार्लिंग को राम कर लूंगा। हैव फेथ इन मी, मुझ पे भरोसा रखो। डोंट वरी, मत घबराओ, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट, सब ठीक हो जाएगा। बाय बाय नीता, जय हिंद। अरे राजेश मैं मारा गया, जल्दी से कोई तरकीब सोचो नहीं तो नीता मेरे हाथ से निकल जाएगी। उसका साला बाप कहीं और उसकी शादी कर रहा है, और तुम जानते हो नीता डॉक्टर है, खुद ही अपना पोस्टमार्टम कर लेगी और अपना दिल अपने हाथ से काट के मेरे हवाले कर देगी। वो मर जाएगी, मैं मर जाऊंगा। समय बहुत थोड़ा है, जल्दी से सोच, हेल्प मी। मामला बहुत गंभीर है, कोई सूरत नहीं सोचती। हद हो गई यार, कैसा दोस्त है तू, यहाँ मेरी जान पे पड़ी है और तुझे कोई सूरत नहीं सोचती। आज तारीख क्या है बता? क्यों मेरे मरने की तारीख गिन रहे हो? अरे भोंदो आज 20 तारीख है और कोमल ने कहा था कि 20 तारीख को हमारी बेटी को अपने अपने साथ उस सूर्य दर्शन के लिए ले जाना चाहती है। अरे हाँ, आज वो सांता फे जाने वाले हैं और रात वहीं गुजारेंगे और कल सुबह सूर्य दर्शन को जाएंगे। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम लोग यहाँ झपम मार रहे हैं। ये रहा डाक बंगला। अरे कोमल, तुझे डाक बंगला ढूंढ निकालने के लिए इनाम मिलना चाहिए। बाबा रे बाबा, मुझे तो लग रहा था कि हमें डाक बंगला मिलेगा ही नहीं। हाय मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। चौकीदार, ओ चौकीदार। आए साहब। जी मेरा नाम मिस मार्क्स है। कमरे में कमरा बुक होगा? है मैम साहब, अपना कमरा रिजवाड़ है। हम उस कमरा में तीन पलंग और लगा दिया है। अच्छा, चार पलंग हुए और हम लोग सब हम लोग क्या? कोई बात नहीं, हम लोग दो दो मिलकर एक पलंग पे सो जाएंगे। वेरी गुड आइडिया। चौकीदार, इस डाक बंगले में हमारे सिवा कोई और है? बस सुद्धू दो बाबू लोग और आछे। आइए आपका कमरा दिखा दो।
ये रहा आपका कमरा। हाँ, देखो चौकीदार, अभी हमें चाय दो और बाद में खाना गरम कर दो। ठीक है जिनू, ठीक है। चार्ज जल्दी सो जाओ वरना 5 बजे आंखें खुलेगी और सूर्य दर्शन से हम लोग रह जाएंगे। अरे जरा सोचो तो कितना रोमांटिक ख्याल है, और रात का सन्नाटा और एक डाक बंगला, और डाक बंगले में 6 लड़कियां और 2 मर्द। 6 लड़कियां 2 मर्द, ऐसे लगता है कोई फिल्म का नाम हो, जैसे 1 फूल 4 कांटे 2 आंखें 12 हाथ 3 बत्ती 4 रास्ता 4 दिल 4 रात। शुरू रहिए, नाम कम पड़ रहे हो तो मैं याद दिला दूं। 1 दिल 100 अफसाने, 1 मुसाफिर 1 हसीना, 2 गुंडे, 3 देवियां, आतंकवादी की 6वीं औलाद, मेरी जान तमन्ना बोलती बुलबुल। और बोलू या बात करूं? मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये क्या बकबक लगा रखी है? यू आर अ वेरी डिस्टर्बिंग एलिमेंट। जी हाँ, ये डाक बंगलो है या मच्छी मार्केट? व्हाट द हेल इज दिस? किसी आराम का ख्याल नहीं आपको? मैं अभी कपड़े उतार कर सोने जा रहा था क्योंकि सुबह सवेरे मुझे उठकर सूरज देवता के दर्शन करने, लेकिन आप लोगों ने टह 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 लगा रखी। नाउ शट अप एंड गो टू स्लीप, समझी? ठहरो, तुम यहाँ कैसे आए? चल कर और कैसे, लेकिन आपकी भाषा में से यूं कहा जाएगा कि 2 पांव और 3 मील, समझी? तुम जरूर हमारा पीछा करते हुए आए हो। हाय, बड़ी गलत फहमी है आपको अपने बारे में मेम साहब। मैं आपका नहीं, मैं तो सूरज देवता का पुजारी हूँ। मैं सूर्यवंशी हूँ, सूर्य मेरे लगन में है, और मुझे राज जोशी शंभू लिंगम ने यह बताया है कि हर हफ्ते मुझे यहाँ आकर सूर्य देवता के दर्शन करने चाहिए, समझी? बड़े आए सूर्यवंशी, मैं सब समझती हूँ। तुम पहले भी कई दफा मुझसे जान पहचान करने की कोशिश कर चुके हो, खबरदार जो फिर अपनी सूरत दिखाई। भागो यहाँ से। क्यों भागू? मैं कोई मिल्खा सिंह हूँ? जाता हूँ या नहीं? जाता हूँ, जाता हूँ। अपना मुंह बंद कीजिए और साथ में ये दरवाजा। रात को यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं, और ये दरवाजा अगर आपके मुंह की तरफ खुला रह गया तो आप में से एक आद को रीच उठाकर ले जाएगा। शायद आप जानती नहीं कि रीच खूबसूरत लड़की का दीवाना होता है, और अगर इस कमरे में घुस आया तो आप ही को उठा ले जाएगा। मेरा फर्ज आपको बताना। आई हैव स्पोकन। जी कोमल, मुझे तो यहाँ एक रीच नजर आ रहा है। जिसे तुम रीच समझ रही है वो चूहा है। फनी। गुड नाइट। ला मैं तुम्हारे हाथ खेलती हूँ, अभी जीत कर बताती। अच्छा बताओ जोकर कौन? ये है। ओ, अच्छा ये क्या है? 2 नया पैसा। 2 नया पैसा? बस मैं पहले 2 रुपए हार चुकी। तुम तो बिल्कुल कंजूस लगती हो। अरे बाबा, ये सभी ना कहाँ चली गई? तुम जाके देखो। अच्छा मैं भी देख के। हाँ। अच्छा बताओ कल तुम क्या पहनने वाली हो? चलो अपने पॉइंट्स गिनाओ। 10, 20, 30, 40। अरे ये सब कहाँ गई? अपने बाजू में यूं पीट लिया कि सारे बदन में दर्द हो रहा है। लाइए मैं दबा दूं। ओह, दैट्स बेटर। मुश्किल तो ये कि आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुनती। मैंने आपकी बात ध्यान से सुनी थी। आपके कहने से मैंने अंदर से दरवाजा भी बंद कर दिया था, लेकिन मुझे क्या मालूम रीच भी दरवाजा खटखटाता है। ओह, मैं इस वक्त न दरवाजे की बात कर रहा हूँ न रीच की। तो फिर क्या बात कर रहे हैं? अब ये भी बताना पड़ेगा। अब दर्द कैसा है? कौन सा दर्द?
वो जो मेरे दिल में है। मैं पूछ रही हूँ, रीत से लड़के अपनी जान से खेलने की क्या जरूरत थी? अगर आप पर जरा सी भी आज आ जाती तो फिर मैं जिंदा रहकर क्या करता? मेरा इतना ख्याल है। काश कि मैं आपको यकीन दिला सकता, लेकिन आपने तो मुझे गलत समझने की कसम खा रखी। मैं अब गलत नहीं समझूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। देखिए ना, मैं कितना पछता रही हूँ। तो अब आप समझ गई मेरे दिल की बात। मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। उठ जाइए, सुबह हो गई है। मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। फिर सो गए आप? उठिए ना, मेरे सूर्य दर्शन नहीं हो सकेंगे। हेलो, कितनी देर लगा दी दरवाजा खोलने में? देर हो जाती तो सूर्य दर्शन से रह जाते। सूरज रोज निकलता है, चांद कभी कभी दिखाई देता है, और आज तो मैं पूर्णमासी का चांद देख रहा हूँ। शायर कब से बन गया? तुम जैसी हसीना करीब खड़ी हो तो तबीयत शायराना हो ही जाती है। चौकीदार कह रहा था कि आपके साथ आपका दोस्त भी आया है। वो सूर्य दर्शन हो गया। सूर्य दर्शन के लिए आपको जाना था और चला गया आपका दोस्त। तुम कौन हो? हेलो माला बेबी, डर गई? पहचाना नहीं शहर? हाँ, इसमें तुम्हारा भी क्या कसूर? 5 साल के बाद जो मिल रहे हैं। मैं यानी कि विनोद, और वो का मतलब हुआ तुम्हारी मौसी, जिन्हें हम दोनों ने मिलकर जहर दे दिया था और जिनका रुपया लेकर तुम भाग गई थी, क्योंकि मुझे 2 साल की कैद हो गई थी। तुम क्या बक रहे हैं, मुझे कुछ पता नहीं। ये इंसान की याद भी अजीब चीज है। कभी तो आदमी वो भी भूल जाता है जो उसे याद रखना चाहिए, और कभी वो भी याद रखता है जिसे भूल जाना अच्छा है। लेकिन मैं कैसे भूलता? जेल भी कभी किसी को भूलने देती? बाहर आया तो तुम गायब थी, इसलिए यहां चला आया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम। क्या जानते? यही कि एक ना एक दिन तुम यहां जरूर आओगी, क्योंकि जिंदगी में तुम्हारी एक ही ख्वाहिश, एक ही तमन्ना, डॉक्टर सरीन से बदला लेने की। माफ करना तुमने सीखा नहीं, और माफ करना मैंने भी नहीं सीखा, इसीलिए तुम्हारे मौसी की लूट में से अपना हिस्सा लेने चला आया, जो कि तुम पीकर बैठ गई हो। मैं तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहती। मैं कहां वास्ता रखना चाहता हूं? मुझे तो अपनी मौसी की जायदाद में से मेरा हिस्सा दे दो, मैं खुद ही चला जाऊंगा। वो रुपया मेरे हाथ भी नहीं लगा, सारी की सारी रकम मनोहर लेके भाग गया। मनोहर ऐसा नहीं कर सकता, वो तुम्हारा आजमाया हुआ बरसों का पुराना नौकर था। मेरे इसी भरोसे को तो फायदा उठाया उसने, और सारा रुपया लेके चंपत हो गया। माल वो ले उड़ा तो फिर ये ठाट बाट कहां से? ये मैंने एक मालदार बुढ़े से शादी की, और थोड़े दिनों के बाद वो इसी खुशी से मर गया कि मैं उसकी बीवी। ये सब जो देख रहे हो उसी के पैसे की लीला है। झूठ बोल रही, तुम शादी नहीं कर सकती। डॉक्टर सरीन का बेड़ा गर्क करने से पहले तुम कुछ भी नहीं कर सकते। खैर लो, मेरे हिस्से के रुपयों की झलकी दिखाओ। कह दिया ना मेरे पास रुपए नहीं। मैं जानता था तुम यही कहोगी, इसलिए आज तक मैंने उन खतों को संभाल कर रख छोड़ा है। कौन से खत? वही जिनमें मेरे साथ तुमने अपनी मौसी को ठिकाने लगाने की स्कीम बनाई थी। मैंने सोचा कौन जाने कब तुम्हारी नीयत बदल जाए,
तो उन खतों को पुलिस के हवाले करके तुम्हें सरकारी मेहमान तो बनवा सकता हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल करने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें 10 दिन की मोहलत देने आया हूँ। कोशिश करूंगी। अब आई ना रास्ते पर, आ उसी खुशी में एक दौड़ हो जाए, प्यास लग रही है। जॉनी वहां पर रेड लेबल आया, सोडा लाओ। मेरी आया गूंगी और बहरी बहुत खूब। तुम जैसी नेक काम करने वाली देवियों के यहाँ ऐसे ही नौकर की जरूरत है। खैर, सोडे के बगैर ही चलेगी। इसकी प्योर है, रास्ते में काम आएगी। बाय बाय देवी। स्वामी, मौका फर्स्ट क्लास है। कोमल सोई हुई है, कुत्ता कुर्सी के नीचे है और उसकी सहेलियों का ध्यान भी इस तरफ नहीं है। जल्दी से बाहर आ। क्यों भाई, कैसा लगता हूँ? लगता तो बिल्कुल लड़की है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता तुझे भेष बदलने की क्या जरूरत थी। यूं ही आता कुत्ता पार कर लेता यहाँ से। बात यह है, कुत्ता लड़की का है और वो लड़कियों के साथ हिला भी है। किसी मर्द को अपने पास आता हुआ देखेगा तो भौंकने लगेगा और हम लोग पकड़े जाएंगे। तुम डरो मत, मैं भी कुत्ता पार करके आता हूँ। बिस्मिल्लाह। ओके ओके, गुड लक। ये कुत्ता हमें रास्ते में मिला था, ये किसी का पालतू कुत्ता लगता है। अगर कोई इसके लिए पूछने के लिए आए तो आप मेरा कार्ड दे दीजिएगा उसे। राजेश, मेरा एक और आइडिया है, इसके बारे में पेपर में भी इश्तेहार दे दिया जाए। नॉट अ बैड आइडिया, लेट्स गो। राजेश, वेरी गुड, कोमल आ रही है अपना कुत्ता लेने। शाबाश, अब मेम साहब को मजा चखाता हूँ। तो जल्दी से कुत्ते को लेकर बाथरूम में घुस जा। क्या है, कौन बोर करने चले आते हैं? बड़ा गुस्से वाला लगता है। जी जी, मेरा नाम कोमल माथुर है। मैंने पेपर में पढ़ा था आपको एक कुत्ता मिला है। मेरा भी कुत्ता गुम हो गया है, मैं देखना चाहती हूँ, शायद वही हो। आइए। तुम इतने करीब आके भी क्या जाने किस लिए? कुछ अजनबी से आप हैं, कुछ अजनबी से हम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते मिस माथुर। वैसे आप कहाँ हमारे घर की रौनक बढ़ाने आती? चलिए, कुत्ते की बदौलत आपके दर्शन तो हो गए। अच्छा, तो तुमने पेपर में इश्तेहार दिया था? जो मुझे एक लावारिस कुत्ता मिला था, बेचारा कीचड़ में लिथरा हुआ था, कई दिनों से भूखा भी था। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं गई, मैं उसे घर ले आया। घर लाकर मैंने उसे खिलाया, फिर मैंने उसे पिलाया, फिर मैंने उसको निलाया और निलाकर देखा कि कुत्ता पालतू है, क्योंकि उसकी नस्ल अच्छी थी। कहाँ है वो कुत्ता, मैं देखना चाहती हूँ, शायद वो मेरा ही हो। कोमल देवी जी, इस बात की मैं आपको पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि वो कुत्ता आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप दोनों के मिजाज में जमीन आसमान का फर्क है। आपका मिजाज बहुत ही तेज है, गुस्सा हमेशा आपकी नाक पे रखा रहता है, और वो कुत्ता बहुत ही ठंडा। जरा देखिए, मैं आपसे 4 बार मिल चुका हूँ और फिर भी आप मुझे नफरत करती हैं, और वो कुत्ता मुझे सिर्फ 1 बार मिला है और उसे मुझसे प्यार हो गया। जी, मैं यहाँ बब्बर सुनने नहीं आई हूँ, कुत्ता देखने आई हूँ। किस रंग का है आपका कुत्ता? सफेद। क्या नस्ल है आपके कुत्ते की? पोमेरियन। कुत्ता है या कुतिया? कुत्ता। आपसे कौन पूछ रहा है साहब, आप खामोश रहिए, मैं इनसे बात कर रहा हूँ। कुत्ता है या कुतिया? कहाँ ना कुत्ता। ठीक मालूम है आपको? ओ, शांति शांति शांति, अभी आता हूँ अभी आता हूँ। देखिए, यही आपका कुत्ता है। हेलो डार्लिंग। आखिर आपने मुझे डार्लिंग माना? मैं और तुम्हें डार्लिंग कहूंगी, ये तो मेरे कुत्ते का नाम डार्लिंग है। ओ, श्रीमान कुत्ते जी, आप बड़े खुशनसीब हैं, ये आपको डार्लिंग बुलाती हैं? ऑफ कोर्स, ये मेरे दिल का एक टुकड़ा है। चलिए खैर, आपके दिल का एक टुकड़ा तो मेरे पास 4 दिन रहा, अब यकीन जानिए कभी ना कभी आपके पूरे दिल को अपने कब्जे में करके दिखाऊंगा। सम होप्स, इस जन्म में तो ये होगा नहीं,
चलिए अगले जन्म में सही, इस जन्म में आपके कुत्ते को मैं कभी कभी देखने आ सकता हूँ? नेवर, खबरदार जो कभी उस तरफ आए। चल हेमा। हाँ। टॉमी, ऑल क्लियर, बाहर आ जाओ। मान गए यार तेरी हिम्मत को जो तू इस लड़की से टक्कर ले रहा है, नहीं तो मेरा तो इसके गुस्से के कारण और भी कद छोटा हो जाता। तेरा कद छोटा हो रहा है और मेरा प्यार और बढ़ रहा है। हैरान कर दिया है इसने, दोनों से कुछ नहीं खाया, क्या हो गया है इसे? वो जो तुम्हारा रोमियो है ना, उससे प्यार हो गया है इसे। बकवास बंद, कोमल, जो तुम्हारे कुत्ते को इतना प्यार करता है वो तुम्हें कितना चाहेगा? चुप रहो। और राजेश देखने में भी कितना सुंदर है। शट अप। अच्छा तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आइए आइए, गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ भी पहुँच गए, तुम्हारी ये हिम्मत? अरे हिम्मत, मैं आपसे नहीं मिलने आया, मैं तो डार्लिंग से मिलने आया। हेलो डार्लिंग स्वीटी पाई, हाउ आर यू? तुम जरूर मुझे याद करते होगे क्योंकि मैं भी बहुत उदास था तुम्हारे बगैर। जानते हो इसने दो दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो मुझसे बिछड़ने पर भूख हड़ताल कर दी उसने? भाई वाह, तुम्हें तो कुत्तों का लीडर होना चाहिए, कोई कुत्ता भूख हड़ताल नहीं करता है साहब। बड़े नरम दिल निकले तुम हैं डार्लिंग, मैंने सोचा तुम अपनी मालकिन की तरह संग दिल होगे। तुम यहाँ से जाते हो या नहीं? मैं जरा अपने दिल की बात कर लूँ फिर चला जाऊँ। ठहरी ठहरी, आराम कीजिए डार्लिंग। जानते हो कल रात तुम मेरे ख्वाब में आए और प्यार से मेरा मुंह चाटने लगे। मुझे यूं महसूस हो जैसे कोई कोई हसीना मेरा मुंह चूम रही हो। और फिर जब मैंने तकिए के नीचे से बिस्किट निकाल कर तुम्हें खिलाया तो तुमने प्यार से अपनी दुम यूं हिलाई जैसे कोई लड़की बाहर बात तुम कर रही हो। देखिए साहब, जब दो दिल मिल रहे हो तो उन्हें जुदा करना महापाप होता है। वैसे आप लवर के बारे में क्या जानती? कुछ नहीं जानती साहब, आपने भी कब प्यार किया? देखा डाली कितनी बुरी तरह पेश आई है और ये जरूर तुम्हारे साथ यही सलूक करती हुई। लेकिन घबराओ नहीं, बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हें जाल से निकाल के ले जाऊंगा क्योंकि आजादी हर एक का पैदाशी हक है साहब, और तुम्हें भी यह हक मिलना चाहिए क्योंकि दो दिल आजादी की फिजा में मिल सके। जी हाँ साहब, पापा से मिलना है। तुम डॉक्टर सरीन की बेटी हो? हाँ हाँ, मैं रेखा पापा की बेटी हूँ। आंटी आप बीमार हैं क्या? आपको बुखार आ रहा है क्या? लाइए मैं देखती हूँ। मेरा इलाज तो तुम्हारे पापा ही कर सकते हैं। कहाँ है तुम्हारे पापा? रेखा क्या कर रही है? कुछ नहीं, आंटी से बातें कर रही हूँ। इसने आपको तंग तो नहीं किया ना? जी नहीं, ये तो बहुत प्यारी बेबी है। आप डॉक्टर साहब से मिलना आई है? जी, आप डॉक्टर साहब की मिसेस? जी हाँ, हाँ। और ये हमारी बच्ची है सुनीता। हेलो डॉक्टर, देखिए ना, मैं इनसे कह रही थी कि आप कितनी खुशनसीब हैं जो इतने बड़े डॉक्टर की बीवी हैं। सुनीता, रेखा के स्कूल जाने का वक्त हो रहा है, इसे तैयार करो। चलो रेखा। आइए आप मेरे साथ आइए। तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हारी बीवी बहुत खुश है, इसलिए ये कहना गलत है कि तुमने सिर्फ पैसों के लिए शादी की है। सुंदरता और माल दोनों पर हाथ मारा है। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्यों आई हो यहाँ? पसीना पोछ लो, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आई हूँ। मैं तो तुम्हें ये खुशखबरी देने आई हूँ कि मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। आज रात कुछ लोगों को मैंने दावत दी है, फेयरवेल पार्टी समझो। तुम्हें भी आना होगा। लेकिन आज रात तो मेरी अपनी बर्थडे पार्टी है, मैं नहीं आ सकूंगा। अच्छा, कल फिर मुझे आना पड़ेगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। देखो, मैं खड़े खड़े तुम्हारी पार्टी में आ जाऊंगा और फिर तुम सदा के लिए यहाँ से चली जाओगी। ओके ओके नरेश। अरे वो चली गई? हाँ चली गई, मैंने तो उनके लिए चाय मंगवाई थी। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि इतनी सुंदर औरतें भी आपकी मरीज होती है। क्या तकलीफ है उस देवी जी को? भाई अच्छे डॉक्टर अपने मरीजों की तकलीफ दूसरों को नहीं बताया करते। अच्छा मैं चलता हूँ, जरूरी। सुनिए, याद है ना आपको, आज जल्दी घर लौटना है, पार्टी शुरू। हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह याद है। और हाँ,
आते दफा मेरा नेकलेस और तुम्हारा नेकलेस वो भी अच्छी तरह याद है। और एक और बात याद आई है। क्या? अपनी छोटी रेखा के लिए भी एक प्रेजेंट का बंदोबस्त करना चाहिए। रेखा? हाँ, बेचारी अकेली घूमती रहती है, उसका एक छोटा भाई होना चाहिए। जाइए जाइए, आपको देर हो रही है। मम्मी पापा कौन है? मैं पापा को कुछ कर दूंगी। मम्मी मुझे भूख लगी। चल बेटू कहेगी, सारा दिन तुम्हें चलाती रहती, एक दिन डैडी के लिए इंतजाम नहीं कर सकते? भाभी मेरा ख्याल है सर्जन साहब किसी इमरजेंसी केस को देखने के लिए रुक गए होंगे। मुझे भी यही लगता है, डॉक्टरों का जीवन ही ऐसा होता है, उनका सारा समय दूसरों की सेवा में ही बीत जाता है। डॉक्टर की नजर से देख के बताओ मेरी सेहत कैसी लग रही है। माला प्लीज जल्दी से कुछ पहनो। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मेरे उस कबर्ड में से मेरा नाइट ड्रेस दे दो। ये पिस्तौल किस लिए रखा हुआ है? अपनी हिफाजत के लिए। तुम तो मेरे पास रहते नहीं, और मुझ जैसे अकेली औरत को अपना ख्याल तो रखना ही चाहिए। बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैंने किसी को नहीं बुलाया, वैसे मैं बुलाने सबको चाहती थी, फिर सोचा मेरे सब कुछ तो तुम्हें हो, इसलिए तो सिर्फ तुम्हें बुलाया। जरा मेरे होठ लगा दो। हाँ। ये बॉक्सर। अरे मेरे लिए प्रेजेंट भी लाए हो? नहीं नहीं माला, ये नेकलेस दरअसल मैं मेरे काबिल नहीं, तुम्हारी दी हुई हर चीज मेरे लिए अनमोल है। माला मैं कह रहा था कि मैं तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगी। माला मुझे चलना चाहिए मेरे घर पर। मेरी जिंदगी में सिवाय मायूसी और अकेलेपन के कुछ नहीं, क्या तुम अपनी जिंदगी में से एक शाम भी मुझे नहीं दे सकते? नहीं माला, मेरा तुमसे वादा था कि मैं खड़े खड़े तुमसे मिलने आऊंगा, और उसके बाद तुम ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मेरी जिंदगी की सारी उदासी दूर हो जाएगी, मुझे जीने का आसरा मिल जाएगा। भाभी ये रहा मेरा प्रेजेंट भैया के जन्मदिन पर। उनकी जिंदगी में दोनों औरतें एक साथ। दो औरतें तुम्हारे भैया की जिंदगी में? क्या मतलब? जल गई ना जी भाभी, दूसरी औरत और कौन हो सकती? एक आप, दूसरी आपकी बच्ची, दोनों तस्वीर है देखिए फ्रेम में। भाभी से मजाक? मम्मी पापा कभी आएंगे? अभी आते होंगे बेटा, अभी आते होंगे। भैया ने क्या तपस्या की होगी आपको पाने के लिए? तपस्या तो मेरी है जो मुझे उन जैसा पति मिला। मिस्टर राजेश, बहुत अकड़ देते ना तुम, यू बिग शो ऑफ। एक लड़की कचरा कर दिया तुम्हारा बेटा, बिल्कुल कचरा कर दिया। देखा भगवान, धो के रख दिया एक लड़की ने। वैसे तो तुमने मुझे सब कुछ दिया, एक भाई इतना अच्छा का किसी का भाई क्या होगा, एक भाभी जो माँ की तरह मेहरबान है, एक भतीजी इतनी अच्छी इतनी प्यारी बिल्कुल फूल जैसी, सब कुछ तो तुमने मुझे दिया है, सिर्फ एक ये तमन्ना, बस ये तमन्ना पूरी कर दो फिर जीते जी तुमसे और कुछ नहीं मांगूंगा, प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं मांगूंगा। आप पूछोगे कौन क्या है, क्या चाहिए मुझे, क्या मांगता हूँ मैं, जैसे तुम्हें मालूम ही नहीं है। मालिक बंदे को प्यार हो गया, इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, ये इश्क इश्क है, इश्क आई मीन लव कोमल के साथ। मालिक उसके दिल में मुझे बसा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मायूस मत करना है वरना लड़ बैठूंगा, लड़ बैठूंगा। आई मीन वैसे मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, अब मान भी जाओ, मान जाओ ना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, आई प्रॉमिस यू। तो रही पक्की ये बात, ठीक ना,
अब की बार मिलो उसे तो उसे शीशे में उतार डालो मालिक। यू आर ग्रेट भगवान, भगवान मालिक, यू आर ग्रेट, थैंक यू। आप कोमल जी, आप मेरे पलंग के नीचे, ये क्या चक्कर है? आप जो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे वो स्वीकार हो गई, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। क्या 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 क्या, मैं समझा नहीं। जो मैंने कहा वो आप समझ गए? यानी कि अब आप मुझसे नफरत नहीं करती? मैं आपके घर आ सकता हूँ कुत्ते से मिलने? आ सकते हैं, लेकिन कुत्ते से मिलने नहीं, अब की बार कोई और भी आपका इंतजार करेगा। ओ गॉड, कोमल तो हम हाथ पकड़कर संसारी शक्तियों से कह दें कि हम दो नहीं एक, हमारे शरीर दो हैं मगर आत्मा एक, तार अलग अलग है मगर बिना एक है, धुन एक है, संगीत एक है, विचार एक है, आशा एक है। मेरी बात सुनो राजेश। और ये भी कह दें कि हमारा प्रेम नया नहीं पुराना है, बहुत पुराना प्रेम, दोनों में इस जन्म से नहीं कई जन्मों से बांध रखा है और जन जन्मांतर में इसी तरह बांधे रहेंगे। आई लव यू, आई लव राजेश, आई लव यू। ये सपनों का सफर है, उन पर चलने से पहले मेरी बात सुन लो। मेरी मंगनी हो चुकी है। क्या? मैं उससे प्यार नहीं करती, बचपन में ही मेरी मंगनी हो चुकी है, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगी। तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तुमने भी बताया तक नहीं, तुम्हें जज्बात से खेलने की क्या जरूरत थी, मेरे दिल तोड़ने की क्या जरूरत थी? मगर मैं उससे प्यार नहीं करती। ये तो और भी बुरी बात है, जब तुम्हें उससे प्यार नहीं जिसे तुम्हारी मंगनी हो चुकी है, तो मुझसे क्या प्यार करोगी जिसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? मैंने तुम्हें दिल में जगह दी थी, मैं तुम्हें सर आंखों पर रखा था और तुमने मुझसे धोखा किया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू कोमल, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। रहे हो? मैं डूबने जा रहा हूँ। तुम मरने जा रहे हो? पागल लड़की, देवदास ने कभी खुदकुशी की थी, सारी जिंदगी शराब पी पी के अपने आप को तबाह किया था और मैं भी शराब में डूबने जा रहा हूँ। और सबसे कहूंगा कि दुनिया वालों मुझे देवदास की औलाद, ये क्या ड्रामा कर रहा है? इस लड़की को क्यों तंग कर रहा है? हाँ मैं, आज तुम्हारी बेवफाई देख कर मुझे हिंदुस्तानी नारियों से नफरत हो गई है, मेरी मंगेतर होकर इससे इश्क, ये भगवानी क्या जुल्म है? क्या हो रहा है? मैं समझाता हूँ। माय डियर, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, मैंने ही राजेश को ये प्रेम का नाटक करने के लिए कहा था, मैं खुद तुमसे छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए हम दोनों ने मिलकर स्कीम बनाई थी। स्कीम बनाई थी? तुम दोनों को शर्म नहीं आई मेरे साथ चाल चलते हुए? स्वीटी, हम दोनों ने छोटी सी स्कीम जरूर बनाई, इसलिए मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरे साथ तुमसे प्यार हो जाएगा। एक मासूम लड़की के साथ प्यार का नाटक करते हुए शर्म नहीं आई? मैं तुमसे नफरत करती हूँ, मैं जा रही हूँ, गुड बाय। कहाँ जा रही हो? डूबने? न मैं डूबने जा रही हूँ, न शराबी बनने, मैं एक ऐसे साथी की तलाश में जा रही हूँ जो न इसकी तरह जोकर हो और न तुम्हारी तरह एक्टर। बाय बाय। कोमल, अरे इसने तुमको जोकर कहा? यानी कि तुम मुझसे आशीर्वाद चाहते हो मेरी बेटी से रिश्ता तोड़ने के लिए? यस अंकल। और राजेश, तुम्हें आशीर्वाद चाहिए मेरी बेटी के साथ वो रिश्ता जोड़ने के लिए? यस सर। बहुत खूब, और तुम्हारा कहना है कि कोमल की यही मर्जी है। अंकल, आप पुलिस के जमादार हैं, मेरा मतलब है आप पुलिस कमिश्नर हैं, आपसे झूठ बोल के मुझे फांसी पर चढ़ना है, और वैसे राजेश को कोमल चाहती भी है। बहुत खूब, तो मैं कोमल को बुला के पूछ लेता हूँ। कोमल यहाँ आओ बेटा। तुम टॉमी और राजेश को जानती हो? मैंने देखा है। नमस्ते। नमस्ते। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत खूब, जब तुम लोगों ने आपस में फैसला कर लिया है तो मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? तो तुम्हारी खुशी में खुश, तुम्हारी खुशी इस रिश्ते को खत्म करने में है, तो टॉमी का केस डिसमिस और राजेश के साथ तुम्हें उम्र का। अंकल, मेरी माता जी को अपनी तरफ से पत्र लिखना मत भूलिएगा। तुम इस बात का फिक्र न करो, तुम लोगों के लिए सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। अब इजाजत दीजिए। जीते रहो बेटा, जीते रहो। और हाँ राजेश, इस बात का जिक्र अभी किसी से मत करना जब तक मैं तुम्हारे बड़े भाई से मिलकर सारी बातें तय न करूं। बेहतर है जी। अच्छा जी, कोमल जाओ, इन्हें दरवाजे तक पहुंचाया। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद। अच्छा कोमल जी, जय राम जी की, अब मैं आपके रास्ते में कांटा बन के नहीं आऊंगा। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बिरहा चुरन डैडी देख लेंगे। फोन करोगी ना? आई लव यू। आई लव यू। I love you. I love you. अब जाओ। I love you.
कोमल, जब से तुम्हें देखा है आंखों की नींद गायब हो गई, यही कहने के लिए आज यहाँ आया, लेकिन अब तुम्हारी जबान से मोहब्बत का इकरार सुनकर चैन आ गया। ऐसा मत कहिए, मेरे लिए ऐसी बात सुनना भी पाप है। मैं अपना दिल किसी और को दे चुकी हूँ। कसूर मेरा है, मैंने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतना खुशनसीब हूँ कि तुम मेरी हो जाओगी। मिस्टर विनोद, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, आइंदा ऐसी बात मत कहिएगा। भाभी, भगवान से जो आप मेरे लिए मांग रही हैं, वो मैंने पा लिया। लड़की ढूंढ ली है मैंने। कैसी लड़की? अरे दुनिया में सबसे सुंदर भाभी आपके बाद। मस्का लगा रहा है? नहीं, सच्ची, सच्ची, सच्ची। सुनो, हम तो लड़की को देखेंगे फिर सोचेंगे। मंजूर है भाभी, कल हम लोग एक चैरिटी शो कर रहे हैं, उसमें कोमल भी, कोमल लड़की का नाम है, वो भी पार्ट ले रही है। आप भैया को लेकर आ जाइए ना वहाँ पे। कोमल के पिताजी यहाँ के DIG पुलिस हैं, वो भी आ रहे हैं, जरा बातचीत हो जाएगी। क्यों, इतनी जल्दी है क्या? भाभी लड़की को देखोगी तो पागल हो जाओगी। मुझे लगता है तुम तो पागल हो ही हो। हाँ वैसे तुम्हारी पसंद अच्छी होगी, आखिर अपनी भाभी का कुछ तो असर होना चाहिए। भाभी कोमल तो मेरे सपनों की रानी। बस बस बस, मेरे सपनों की रानी। सपनों की रानी तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। वो है सीधी साधी भोली भाली हिरनी जैसी आँखों वाली है। मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। उसमें अदा है किसी में नहीं, जो उसमें हया है किसी में नहीं। जो उसमें अदा है किसी में नहीं, जो उसमें हया है किसी में नहीं। मुझे मेरी जाने वफा चाहिए, मुझे तो वही दिलरुबा चाहिए। मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। वो है सीधी साधी भोली वाली हिरनी जैसी आँखों वाली है। मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो।
अगर मुस्कुरा दे वो जाने बहार तो बरसा करे आसमानों से प्यार, अगर मुस्कुरा दे वो जाने बहार तो बरसा करे आसमानों से प्यार, अगर नाचती आए वो नाजनी तो हो जाए दुनिया मुकम्मल हसी, मेरे सपनों की रानी तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, तुम नहीं हो। सपनों की रानी मुझको मिल गई, 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 मेरे सपनों की रानी मुझको मिल गई, मिल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, तुम मिले तो मेरी किस्मत खुल गई, 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 तुम मिले तो मेरी किस्मत खुल गई, खुल गई। मेरा दीवाना था बिन तेरे वीराना था, तेरे दम से बात बनी वरना एक अफसाना था, दिल मेरा दीवाना था बिन तेरे वीराना था, तेरे दम से बात बनी वरना एक अफसाना था, ढल गई, ढल गई, ढल गई, ढल गई, ढल गई, ढल गई, नागन जैसी काली रहना ढल गई, ढल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, खुल गई, तुम मिले तो मेरी किस्मत खुल गई, खुल गई। मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई, मिल गई,
मेरे सपनों की रानी मुझको मिल गई मिल गई। मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मेरे सपनों की रानी मुझको मिल गई मिल गई। आज बहुत देर हो गई ज्योति जी, मेरी वाइफ को फोन पे कह देना। कह देना कि देर से आएंगे। मालूम तुम हैरानी हो रही है ज्योति, कहना कि मैं जरा देर से घर लौटूंगा। यस सर। तुम यहाँ कैसे चली आई? क्यों मरीज डॉक्टर के पास क्यों आता है? बीमार होता है, दुखी होता है, इसीलिए ना। और डॉक्टर साहब इस मरीज की हालत बहुत खराब है। अच्छा बोलो, इस मरीज को ठीक करोगे ना? माला, ऐसी बातें यहाँ नहीं करते। तो फिर चलो मेरे घर, चलो चलो ना। अच्छा चलो। बदमाश यही कहीं छुपा है, अगर मुझे मिल जाए तो मैं उसकी हड्डी भट्टी तोड़ दूंगा। डैडी आप तो खामखा नाराज हो रहे, वो बेचारा इस हॉस्पिटल में आए ही। ओहो मिस्टर छोटे लाल, तुम बेकार को अपनी लड़की की चिंता करते हो। तुम अपने काम पे जाओ, मैं अपने ऑपरेशन पे जाता हूँ। जा। छोटे लाल ऑपरेशन? मीता डार्लिंग, कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारा अपना टॉमी। ओ टॉमी, डैडी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं, तुम यहाँ से। अरे मैं डैडी का उल्लू बना के आया हूँ। बेटा अब देखते हो कौन किसको उल्लू बनाता है। उन्हें दे तुम्हारा बाप। तूने जिंदगी भर के लिए मेरी जान खराब कर दी, तुझे मौका ही दे गया। मुझे बचाओ, मुझे छिपाओ, तुम्हारे पिताजी मेरा पीछा कर रहे हैं। क्या करूं? कुछ करो। कौन पिताजी? वो टॉमी का बच्चा। यहाँ तो कोई नहीं आया। कोई कैसे नहीं आया? ये कहीं छुपा है। इसको पहले ले जा। हाँ इसको पहले ले जा। ले टंडन। जी साहब। ये 5 मुर्दे पोस्टमार्टम के लिए ले जा। मुर्दे इसमें 5 लिखे हुए लेकिन यहाँ पर 6 साहब। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे डॉक्टर शक्ति सामंता से पूछो कि ये छठा मरीज कहाँ से चलता कर दिया। अभी पूछ के आता हूँ। हाँ और जरा माचिस दो। माचिस? माचिस भी लेके आता हूँ। अच्छा कमाल है डॉक्टर शक्ति सामंता का, छठा मरीज कहाँ से पार्सल कर दिया। थैंक यू। सबसे पहले ये मुर्दा उठा के ले जाओ पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा अच्छा।
कुछ नहीं, आप चले। तुम क्या चाहती हो मैं काम ना करूं, सारा दिन घर में बैठा तुमसे प्यार मोहब्बत करता रहूं? मैंने ये कब कहा, मैं तो सिर्फ इतनी शिकायत कर रही थी कि आजकल आप रातों को भी घर नहीं आते। डॉक्टर की जिंदगी पर घर वालों का ही नहीं मरीजों का भी कुछ अधिकार होता है। ऐसे भी डॉक्टर है क्या जो रात रात भर काम से फुर्सत नहीं मिलती? सुबह घर भी आते तो सिर्फ कपड़े बदलने के लिए। पहले मैं आपके दिल में रहती थी, अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जगह सिर्फ इस घर में है, आपके दिल में नहीं। बिल्कुल ठीक समझा तुमने, अब तो मेरे दिल में नहीं रहती और इस घर में भी नहीं रहना चाहती, तो बेशक तलाक ले लो। तलाक? हे भगवान, ये क्या जहर मेरे कानों में डाल रहे हैं? मैंने आपको अपना देवता माना है, अगर आप मुझे घर से निकाल भी देंगे तब भी मैं आपकी पूजा करती रहूंगी। पुजारी मंदिर से निकाला जा सकता है, लेकिन भगवान तो पुजारी से मुंह मोड़ सकता है। भैया, भाभी को धमका कर आप अपने गुनाह पर पर्दा नहीं डाल सकते। मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ आजकल आप अपना वक्त कहाँ और किसके साथ गुजार रहे हैं। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। राजेश भैया, भैया जिसके आप परवाने बने हैं वो हर महफिल में जलने वाली शमा है और वो आपको भी जला कर राख कर देगी। आपको रोशनी की कमी है भैया, आपके घर में तो वो चाहिए जिससे आत्मा तक रोशन हो जाती। मुझे आत्मा की रोशनी नहीं, अपने दिलो दिमाग का सुख चाहिए। मैं तुमसे बड़ा हूँ, इन बातों को बेहतर जानता हूँ। बड़ा होने पर भी आदमी गलती कर सकता है, हर कोई भर सकता है, क्योंकि हम सब कमजोरी के पुतले हैं भैया, लेकिन कमजोर बने रहना इंसानियत के नाम पर धब्बा। लेक्चर बंद करो, मेरी भलाई किसमें और बुराई किसमें तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, और जब तक मैं तुमसे सलाह ना मांगू मुझे मशवरा देने की कभी कोशिश मत करना, समझे? चले यहां से। डांट दबा के आप मुझे टाल नहीं सकते, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूँ। और पिताजी के गुजर जाने के बाद आप ही ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके आगे सच्ची बात नहीं कह सकता। भैया, भाभी उस औरत के बारे में कुछ नहीं जानती और उन्हें जानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपको आपको देवता समान पूछती है। भैया, आप गुनाह के रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? तुम इसे गुनाह समझते हो तो समझा करो, तुम्हें इसके लिए मुझसे नफरत हो रही है तो हुआ करे, मुझे तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें पाला पोता बड़ा किया इसलिए कि तुम मेरा सहन ना करो। आपने ये भी तो सिखाया कि नाइंसाफी को सहन करना बुजदिली है, इसलिए मैं आपको ये ज्यादती हर किस नहीं करने दूंगा। अच्छा तो दिखाओ अपनी जमा मर्दी, मारो मुझे, देखे रहे हो, उठाओ हाथ मेरे ऊपर। मैं आप पर हाथ उठा? वाह भैया, आपने ऐसा सोचा ही क्यों? मैं तो आपको सिर्फ अपने प्यार का वास्ता दे सकता हूं। आया, ये नेकलेस मुझ पर कैसा लग रहा है? इस गुंगी से क्या पूछ रही हो? मुझसे पूछो। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तुम? वैसे ये कहना मुश्किल है कि तुम इस नेकलेस को पहनकर ज्यादा खूबसूरत लग रही हो या तुमने पहन रखा है इसलिए नेकलेस ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। जल्दी कहो जो कहना है, मेरे पास टाइम नहीं। टाइम मेरे पास भी कहाँ, हम दोनों ठहरे काम धंधे वाले आदमी, तुम दूसरों से रुपया बटोरने में मसरूफ हो और मैं तुमसे रुपया खींचने में लगा हुआ हूँ। वक्त है किस ताफर के पास? जल्दी से मेरा रुपया दो, मोहलत के 10 दिन पूरे हो गए। अभी तक पैसों का इंतजाम हुआ नहीं। छी 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 छी, इतनी खूबसूरत लड़की होकर ऐसी बेहुदा बात करती हो? जानती हो ये नेकलेस एक मुर्दा गर्दन में पड़ा हुआ कितना बुरा लगेगा, और फिर मैं ठहरा आर्टिस्ट आदमी, मुझे ये देखकर कितनी ठेस लगेगी, जरा सोचो तो। मुझे 2 दिन की मोहलत और दे दो, फिर मेरी चिट्ठियां ले आना और अपने रुपए ले जाना। मुझे मंजूर है, तुम भी क्या याद करोगे किसी शरीफ आदमी से पाला पड़ा था। वैसे तुम्हारी बात के जमानत के तौर पर ये नेकलेस रख लेता हूँ। ये न ले जाओ, ये डॉक्टर सरीन का दिया हुआ तोहफा है। मैं कौन सा असल समझ कर ले जा रहा हूँ, मेरे लिए तो ये सूद। बाय बाय बेबी। रेखा बेटी, लो दूध पी लो। नहीं, मैं पापा के आगे पीऊंगी। लेकिन तेरे पापा न जाने कब आएंगे, तू दूध पी ले और सो जा। लो। मैं पापा के पास सोऊंगी। पापा कहाँ? मुझे पापा के पास जाना। लेकिन बेटे, मुझे भी तो नहीं मालूम तेरे पापा कहाँ है। अगर मेरे नसीब अच्छे होते तो वो हमसे इतने दूर क्यों रहते। देखो बेटी, आज तू मेरे साथ सो जा, जब तेरे पापा आ जाएंगे ना तो मैं तुझे जगा दूंगी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात। चलो पी लो।
शाबाश। अरे माला, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे यहाँ तो पार्टी थी ना, मेहमान नहीं आया क्या? घर में मेहमान आने तो शुरू हो गए थे, लेकिन तुम्हारे बगैर जी नहीं लग रहा था, इसलिए तो मैं तुम्हें लेने आई। सॉरी, एक इमरजेंसी केस आ गया था, ऑपरेशन में देर हो गई, लेकिन तुम्हें जानकर खुशी होगी कि मैं मरीज की जान बचाने में कामयाब हो गया। उस मरीज की तो जान तुमने बचा ली, लेकिन इस मरीज का क्या होगा? अच्छा, मैं तैयार होके अभी आता हूँ। जल्दी आना। जैकपॉट लग गया तो खुआ चलेंगे और खूब पिएंगे। संभालो। वो गाड़ी रोकिए, 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 रोकिए प्लीज साहब। एक बच्ची कार के नीचे आ गई और वो बदमाश गाड़ी भगा ले गया। खून बहुत बह रहा है, अगर आप उसे अपनी कार में पहुंचा दे तो शायद उसकी जान बचे। क्यों नहीं? चलो, मैं तुम्हें ऐसे झमेले में नहीं पड़ने दूंगी। और फिर ऐसे एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं। आप सड़क पर भी डॉक्टरी करोगे? लेकिन माला, मैं डॉक्टर हूँ, किसी की जान बचाने की कोशिश करना मेरा फर्ज है, ना जाने किसकी बच्ची है। होगी कोई अनाथ, मर गई तो मुसीबत से छूटती। और डार्लिंग, मेरी यहाँ पार्टी और मैं ही अभी तक घर नहीं पहुंची, मेहमान क्या सोचेंगे? प्लीज चलो ना। ओके, सॉरी भाई। रेखा की हालत बहुत सीरियस है सर, एक्सीडेंट में बुरी तरह कुचला गया है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, फौरन इसके ब्रेन का ऑपरेशन करना होगा। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं डॉक्टर साहब, जल्दी से इसका ऑपरेशन क्यों नहीं करते? इतना डेलिकेट ऑपरेशन सिर्फ डॉक्टर सिंह कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह, मगर न जाने इस वक्त वो कहां होंगे। आप ही कुछ कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की जान आपके हाथ में है, प्लीज डॉक्टर। इससे डॉक्टर सिंह के सवाल कोई नहीं बचा सकता। भाभी हौसला रखी, मैं भैया को लेकर आ लूं, मैं जानता हूं इस वक्त वो कहां होंगे। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर सरीन कहां है? आप कौन हैं? मैं उनका छोटा भाई हूं, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो यहाँ नहीं है। अच्छा, जब भैया आए तो उन्हें सेंट्रल हॉस्पिटल भेज दीजिएगा, उनकी बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, सिर्फ उन्हीं के ऑपरेशन से उसकी जान बच सकती है। कह दूंगी। हेलो माला। हेलो, जल्दी कीजिएगा, बच्ची की हालत बहुत नाजुक है। कह दिया ना, कह दूंगी, क्यों मेरा सर खा रहे हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसे भी आप सब अपना घर समझिए, अगर किसी चीज की जरूरत हो मांग लीजिएगा। हेलो माला। हेलो, ये लोग इस घर को अपना समझे तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर घरवाली को अपना समझेंगे तो मुझे एतराज होगा। ओह, जलन फील करने लगे? कुछ कुछ। मेरा ड्रेस लाए, देख लो। बहुत खूबसूरत, तुम्हारे प्यार से भी ज्यादा। पहन के दिखाओ तो जाने। अच्छा, अभी आई। थैंक यू। Thank you.
आई एम सॉरी मिसेस सिरेन। पार्टी में समा बन गया तुमने, सब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। मुझे तो किसी का भी ध्यान नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए गा रही थी, तुम्हारे लिए नाच रही थी। माला, मैं सोचता हूँ फिर तुम्हें अपना कर, मैंने बहुत कुछ पा लिया। आपने खो क्या दिया, आप ये नहीं जानते। राजेश, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? मैं आपको लेने आया हूँ भैया, क्योंकि आपको चलकर रेखा की चिता को आग देनी। क्या हुआ मेरी बच्ची को? मर गई। क्या बक रहे हो, कहीं नशा करके तो नहीं आए? आपका नशा उतरने का वक्त आ गया भैया, उसका एक्सीडेंट हो जाने के बाद मैं इनके पास संदेशा भी छोड़कर गया था, आपके ऑपरेशन से वो बच सकती, लेकिन आप फिर भी वहां नहीं पहुंचे और वो बेचारी आपका नाम लेते लेते दम तोड़ गई। मुझे याद नहीं रहा, मैं तो अपनी पार्टी में बिजी थी, लेकिन ये खबर सुनकर मेरे दिल को ठंडक पहुंची, क्योंकि आज मैं अपना बदला लेने में कामयाब हुई। बदला? हाँ हाँ बदला, मेरी बेइज्जती का बदला। 7 साल पहले तुमने मुझे ठुकरा दिया था, उसी का बदला लेने मैं यहाँ चली आई थी। तुम क्या समझते हो मैं तुमसे इश्क करने आई थी? मैं तो तुम्हारा मजाक उड़ा रही थी। अब जाके मेरे दिल को तसल्ली हुई है, क्योंकि मैंने तुम्हारा घर उजाड़ दिया है। चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तू इतनी नीच है कि मैं तेरे खून से अपने हाथों को रंगना नहीं चाहता, वरना मैं तेरा खून कर देता। चलो भैया। आया आया, हमारा काम पूरा हो चुका है, इससे पहले कि विनोद आए हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। चलो जल्दी सामान पैक करो। देखा, देखा तेरा बदनसीब बाप आ गया। अरे पापा कह के तुझसे गले नहीं मिलेगी। उठो मेरी बेटी, उठो उठो मेरी बच्ची, छुटकारा चाहते थे ना, तलाक चाहते थे, मगर नहीं मानी थी क्योंकि मैं बीवी नहीं मां भी थी, मगर अब मैं मां नहीं रही, अगर बीवी भी नहीं रही तो वो दुख भी मैं झेल लूंगी। बेटी से तो आपने मुक्ति पाई ली, अब आप मुझसे भी छुटकारा पा सकते हैं। दे दीजिए मुझे तलाक, दे दीजिए मुझे तलाक। और भैया, अगर ऐसा कोई कानून है जिससे मैं आपका भाई ना रह सकूं तो मुझे बताइए, अब मैं भी आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। आप मेरे बाप की तरह हैं, भाभी मेरी माँ के समान है, लेकिन आज आपने दोनों में से एक को चुनने पर मुझे मजबूर कर दिया भैया, और मैं माँ जैसी अपनी भाभी को साथ लेकर आपसे बहुत दूर जाना चाहता हूं। जो सजा तुम दोनों मुझे देना चाहते हो मेरे गुनाह को देखते हुए बहुत ही कम है। अब मेरे लिए एक ही रास्ता रह गया है, लेकिन मरने से पहले मुझे एक काम करना है।
बस एक ही काम बाकी रह गया है। राजेश राजेश जाओ जल्दी कर, कहीं मुझे कुछ करना पड़े। सारा सामान पैक कर दिया, सब काम हो गया ना? वैसे तो सब काम हो गए, सिर्फ एक काम बाकी, मेरा हिसाब चुकाना। तुम आ गए? पड़ोसी भी जाने लगे तो लोग छोड़ने आ जाते हैं, फिर हम तुम तो ठहरे साथी, चाहे जुर्म में ही सही। अगर ऐसे मौके पर ना आता तो सारी उम्र अपने आप को मुंह नहीं दिखा सकता था। मेरी चिट्ठियां लाए हो? सारी की सारी। धंधे में मैं बिल्कुल ईमानदारी का कायल। थैंक यू बेबी। वैसे धंधे की तुम भी ईमानदार हो, रकम पूरी। गुड बाय बेबी। शाबाश मनोहर। मनोहर? हाँ मैं हूं मनोहर। मैं जानता था मेरी मालकिन को तुझसे खतरा है, इसीलिए भेष बदल कर उनके साथ रहता हूँ। तेरा और तेरी मालकिन का साथ हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। गोली चला दूंगी, मैं कहती हूँ छोड़ दो बैग। तुम गोली नहीं चला सकते। विनोद आगे मत बढ़ो। विनोद, विनोद, मनोहर। आपके हाथ नई जिंदगी मिलती है। आप चले जाइए, आपको मेरी कसम चले जाइए, आपको आपकी मरी बच्ची कसम चले जाइए भैया, चले जाइए। तुम जिंदा हो? मेरे भाई ने तुम्हें गोली चलाई, मुझे इसका बहुत अफसोस है। नहीं नहीं, तुम्हारे भाई की गोली मुझे नहीं लगी। गोली किसने चलाई? किसने मारा तुम्हें? गोली किसने मारा? इसने फोन किया। तुम आगे बढ़े, गोली से मार दूंगा। हट जाना से। जल्दी से पुलिस को खबर करते हैं। लेकिन राजेश ने इनका खून क्यों किया? नहीं डैडी, मैं नहीं मान सकती कि राजेश ने खून किया है। लोगों ने खुद अपनी आंखों से उसे खून करते हुए देखा है, फिर भी तुम नहीं मानती। यूं कहो कि तुम मानना ही नहीं चाहती। राजेश खूनी नहीं हो सकता, खूनी ऐसे नहीं होते। खूनियों के बारे में तुम क्या जानो? राजेश फरिश्ते के रूप में शैतान निकला। हो सकता है वो बेगुनाह। अगर वो गुनाहगार भी होता और उसने किसी ऊंचे आदर्श के लिए खून किया होता तो भी मैं उसे माफ नहीं करता। लेकिन जब उसके ताल्लुकात एक आवारा औरत के साथ थे तो उसने हमें धोखा क्यों दिया? हमारे साथ ये जुर्म क्यों किया? इसके बाल काट ले, फिर उसके बाद तेरी गुड़िया के बाल काटेगा और फिर तेरे बाल काटेगा। कब तक ये गुमसुम बैठे रहोगे?
चलिए उठिए कुछ खा लीजिए, कल से आपने कुछ नहीं खाया। इस तरह हमारी रेखा वापस थोड़ी आने वाली है। हमारी फूल सी बच्ची वहां जा चुकी है जहां से वो लौट कर नहीं आ सकती। और राजेश जीते जी अब से बिछड़ गया। मैं खुली हूं सुनीता, मुझे अपने आप से नफरत है। इस तरह मैं आपको दुख देने से क्या फायदा, राजेश की चिंता मुझे भी है। जाने बेचारा कहाँ होगा, क्या कर रहा होगा। इस घर की बर्बादी मेरी अपनी लाई हुई है। मेरे एक पाप की सजा ये मिली, मेरी लाडली मुझसे छिन गई। दूसरे पाप के बदले मेरा चेहरे तबाही पुलिस से छुपा छुपा कर रहा है। मेरे लिए प्रायश्चित का एक ही रास्ता है, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूं और साफ साफ कह दूं कि खून राजेश ने नहीं मैंने किया है। क्या कोई ऐसा तरीका, ऐसा कानून नहीं है कि मैं इस खून का इल्जाम अपने सर पे ले लूं, ताकि आप दोनों भाई इस मुसीबत से बच जाए। मुझे जेल जाकर भी शांति मिलेगी कि मैं आपके किसी काम आ सके। नहीं सुनीता, नहीं, इतना क्या कम है कि तुमने मुझ जैसे नीच को माफ कर दिया। ऐसा न कहिए, ऐसा न कहिए। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, भाभी मैं अभी अभी पुलिस से बच के राजेश मिल के आया हूँ। उसने बताया है कि आप निर्दोष हैं, माना के खून आपकी गोली से नहीं हुआ, किसी और ने पहले इस पर गोली चला दी थी। ये तुम क्या कह रहे हो टॉमी? हाँ, माला ने मरने से पहले राजेश से ये बात कह दी थी, लेकिन कातिल के नाम बताने से पहले इसने दम तोड़ दिया। आप भी कसूर है, शुक्र है भगवान का, अब राजेश को भी पुलिस से छुपने की कोई जरूरत नहीं। नहीं सुनीता, ये खबर उतनी अच्छी नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। जब तक असली कातिल पकड़ा नहीं जाता, पुलिस राजेश को ही खूनी समझेगी। उसे इस मुसीबत में डालने का जिम्मेदार मैं हूँ। आप फिक्र न करें, राजेश उस कातिल को ढूंढने में लगा हुआ है। मेरा आशीर्वाद उसके साथ है। मैं सौगंध खाती हूँ, जब तक राजेश के सर से बला टल न जाए मैं पानी तक नहीं पीऊंगी। सुनीता, राजेश आपका भाई है लेकिन मेरा भी तो देवर है, और देवर बेटे के समान होता है। बेटा दुखी हो तो माँ कैसे सुख का सांस ले सकती है। राजेश से फिर कब मिलोगे टामी? पुलिस की नजरों में धूल झोंक सका तो कल रात उसे मिलूंगा। उसे ये भी कहना मैं तो राम न बन सका, लेकिन भाई तुम इस कलयुग में भी लक्ष्मण बन कर आए। माथुर साहब घर पे हैं? जी वो घर पे नहीं है। कोई बात नहीं, कुंवल माथुर तो घर पे होंगी, उनके नाम का तार है। मेरा तार है? हो जी हाँ, आपका तार है। कुंवल, मैं हूँ टॉमी। टॉमी, राजेश ने खत भेजा। कहाँ है राजेश? ये खत पढ़ लो, सब मालूम हो जाएगा। मुझे उसके पास ले चलो। नहीं कुंवल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें मेरी कसम। कसम देती हूँ तो ठीक है, तुम मुझे ठीक 7 बजे चश्मे शाही के पास मिलो, मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। राजेश, टॉमी देखो मेरे साथ कौन आया है। कौन है? मैंने इसे बहुत समझाया मगर इसने मेरी एक न सुनी। देखो जेल वाले मुलाकात के लिए 5 मिनट देते हैं, मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूँ, इससे ज्यादा नहीं, नहीं तो हम सबको जेल हो जाएगी। कौन? तुम्हारा यहाँ आना अच्छा नहीं, तुम्हारा मुझसे मिलना खतरे से खाली नहीं, लोग समझते कि मैं खूनी हूँ। तुम्हारा खत न भी मिला होता तो भी मुझे विश्वास था कि तुम बेगुनाह हो। तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हारे सुख के साथी हूँ,
दुख की नहीं। कोमल कोमल, सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत के सहारे मैं जिंदा हूँ। हाँ, तुम मुझे तुम्हारी इस मुसीबत में अपने साथ शामिल कर दो। बताओ मैं किस काम आ सकती हूँ? बस यही, हमेशा हमेशा मुझसे प्यार करती रहो। ओहो, प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूँ प्यारे, लेकिन इस मुलाकात को खत्म करो। मुझे कुछ गाड़ियों की आवाज आ रही है, मालूम होता है पुलिस वाले आ रहे हैं। कमल जल्दी करो। राजेश, तुम्हारी जिंदगी अब तुम्हारी ही नहीं, मेरी भी है। ये याद रखना, आई लव यू। ये एक बहुत जरूरी खबर देनी है आपको। व्हाट इज इट? क्या डालो? ये अपने ही आदमी है, गो अहेड। माला के कत्ल के सिलसिले में एक नई बात का पता चला। एक चरवाहे की रिपोर्ट पर हमने एक औरत को बेहोश पड़ा पाया। वो बुरी तरह से जख्मी थी। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि वो औरत नहीं, मर्द था, जो औरत के ठेस में माला की नौकरी करता था। औरत के लिबास में मर्द नौकरी करता था? अजीब बात। जिसने माला का कत्ल किया है ये काम भी उसी का लगता है। लॉकर ने जरूर कातिल को देखा होगा, इसीलिए उस पर भी हमला किया गया है। लेकिन वो अभी तक जिंदा है और घंटे भर में होश में आ जाएगा। अब कातिल जरूर पकड़ा जाएगा। उसके पास कोई जाने न पाए इसका इंतजाम कर दिया है? यस सर, मैंने कमरे के बाहर पहरा लगवा दिया ताकि सिर्फ डॉक्टर, हॉस्पिटल स्टाफ के सिवाय और कोई अंदर न जा सके। उसका बयान लेने के लिए आपका वहां होना जरूरी है। ठीक है, तुम चलो, मैं घंटे भर में पहुंचता हूं। यस सर। बेस्ट ऑफ लक। मुझे भी इजाजत दीजिए। तुम कहां जा रहे हो विनोद? तुम्हें तो हमारे साथ लंच खाना है। जी, मुझे अभी याद आया, मेरा एक दोस्त आने वाला है, उसे एयरपोर्ट पर रिसीव करने जाना है। ओह, बाय बाय। बाय बाय मिस्टर विनोद जी। आपका लाइटर। थैंक यू। क्या कहा? माला का नौकर औरत के लिबास में रहता था और अस्पताल में जख्मी पड़ा हुआ। मेरा उसे मिलना बहुत जरूरी है, लेकिन मैं वहां जाऊं कैसे? उसके कमरे के बाहर पुलिस का पहरा है, सिवाय डॉक्टर के वहां कोई नहीं जा सकता। इसलिए मैं डॉक्टर के कपड़े लेकर आई हूं, इसे पहनकर तुम कमरे में जा सकते हो। नीता तुम्हें अस्पताल के गेट पे मिलेगी। डॉक्टर साहब पहले सरीम का छोटा भाई, पुलिस से छुप कर आया हूं। तुम अच्छी तरह जानते हो मेरे भैया ने माला का खून नहीं किया। तुमने कातिल को जरूर देखा होगा। कौन है कातिल? बताओ मुझे, इसका नाम बताओ। कातिल कौन है? तुमने इसे जरूर देखा है। होश आ गया उसे? अभी मालूम हो जाएगा सर, अंदर डॉक्टर साहब उसे चेक कर रहे हैं। डॉक्टर, कम ऑन लेट्स गो। यस सर। कहीं डॉक्टर साहब, मैं पहुंच आया। आप कौन से डॉक्टर हैं? यहां क्या कर रहे हैं? माता साहब, पेशेंट मर गया है, बल्कि मार दिया गया, इसका गला रोक दिया गया, उस आदमी मर गया है। तो तुम हो, इस आदमी को अपने रास्ते से हटाने आए थे ताकि माला के कत्ल के जुर्म में ये तुम्हारे खिलाफ गवाही ले सके। ये तुमने दूसरा खून किया है। मैं कसम खा के कहता हूं माथुर साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं। मैंने किसी का खून नहीं किया।
अभी अभी एक आदमी डॉक्टर के लिबास में यहाँ से गया, हो सकता है उसी ने इसका खून किया हो। तुम यहाँ किस लिए आए थे? मैं भी आपकी तरह इससे माला के कातिल का पता लगाने आया था, लेकिन मेरे पहुंचने से पहले उस खूनी ने इसकी जुबान हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी। माधव साहब, ये देखिए, इस आदमी के हाथ में कोई चीज है, सिगरेट लाइटर। सिगरेट लाइटर? ओह नो, ये नहीं हो सकता। लेकिन लाइटर यहां आया कैसे? सर, आप जानते हैं ये लाइटर किसका? जानता हूं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। डॉक्टर, डॉक्टर, सिर पर कोई के कपड़े बाथरूम में मिले हैं, कोई ने वहां फेंक गया था, और ये देखिए, इस पे खून का दाग भी है। इस कपड़े से लगता है उसकी गाल पर एक ताजा जख्म होना चाहिए। इसका मतलब है वो आदमी यहाँ डॉक्टर के लिबास में आया। माधव साहब, मैंने आपसे कहा था ना, एक आदमी डॉक्टर के लिबास में अभी भी यहाँ से गया। डॉक्टर, टेलीफोन कहाँ है? आइए। हेलो ऑपरेटर, गिव मी 2345। हेलो, हेलो कोमल, क्या विनोद तुम्हारे पास है? नहीं डैडी। एनीबॉडी एट होम? डैडी, डैडी वो अभी भी आए हैं। कोमल, जरा देखिए, मुझे बताओ कि उसके चेहरे पर जख्म का कोई निशान है, और ये भी मालूम करो कि उसके पास उसका अपना लाइटर है या नहीं। क्यों, क्या बात है? इन दोनों बातों का जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है विनोद ही माला कातिल हो। क्या कह रहे हैं डैडी, मुझे तो डर लगने लगा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, होशियारी से इन दोनों बातों का पता लगा के मुझे बताओ, मैं टेलीफोन होल्ड करता हूँ, और देखो उसे शक न होने पाए। अच्छा डैडी। कोमल, हेलो कोमल। हेलो, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आपके दोस्त कहाँ है? दोस्त? हाँ, मेरा दोस्त, वो इस फ्लाइट से नहीं आया। माथुर साहब नहीं आया अभी। ये आपके मुंह पे क्या हुआ? मुंह पर? एयरपोर्ट के बाहर पे कोकोला पी रहा था, बोतल फट गई। छोड़ो इस बात को, भूख बहुत लगी, खाना तो नहीं खाया तुमने? नहीं, अभी नहीं खाया, अभी खाते हैं। आज मेरी माँ जी की बरसी है, मैं जरा पूजा कर लूं। जरा लाइटर दीजिए, अगरबत्ती जला दूं। अरे लाइटर कहाँ गया? कहाँ गया, कहाँ खो गया? शायद एयरपोर्ट पर बुलाया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी माचिस लेकर आती हूँ। आपकी बात ठीक निकली, विनोद के मुंह पे जख्म भी है और उसके पास उसका लाइटर भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कोमल, 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 राजेश मेरे साथ आओ।
पहलू में आके आग लगा के जाती हो जाने तमन्ना कहाँ। शर्माना कैसा घबराना कैसा होने तो